रेत डालेंगे और उसके बाद वृक्षा डाल के इसके सारे श्लोक लिख लेंगे और याद भी करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ मैं इसका अर्थ बता रही हूँ, वो आप समझ जाइए और बाद में मैं इसको लिखने के लिए भी दूंगी, ठीक है। देखिए, वने वने निवसंतो वृक्षा। वने वने यानी प्रत्येक वन में, निवसंतो यानी रहते हुए, वृक्षा यानी वृक्ष। वृक्ष क्या करते हैं? प्रत्येक वन में रहते हुए या प्रत्येक वन में वृक्ष रहते हैं। वृक्ष प्रत्येक वन में रहते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। और वनम वनम, वनों की रचना कौन करता है? वृक्ष करते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, वृक्ष ही वनों का निर्माण करते हैं। वन में पेड़ होते हैं ना अधिक से अधिक, तो वनों की रचना किसके द्वारा होती है? पेड़ों के द्वारा होती है। आगे पहले वाला, प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं और वनों की रचना वृक्षों से ही होती है। सेकंड वाला देखिए, शाखा दोला सीना बिहगा। बिहगा होते हैं पक्षी। पक्षी क्या करते हैं? वृक्षों की टहनियों में, शाखाओं में डोला बनाकर, यानी झूला बनाकर क्या करते हैं? बैठे रहते हैं। पक्षी शाखाओं का झूला बनाकर उस पर बैठे रहते हैं। तय किमपि कुजन्ति वृक्षा। तय यानी वे, किमपि यानी कुछ भी, कुजन्ति यानी उगते हैं, गाते हैं, कौन? वृक्ष। वृक्ष उन पर बैठकर कुछ भी कूदते रहते हैं या बोलते रहते हैं। आया समझ में? दो आ गए। इसके बाद तीसरा देखिए, पिबन्ति पवनम जलम संततम। यानी जो वृक्ष हैं वो लगातार क्या करते हैं? जल और वायु को पीते हैं या ग्रहण करते हैं। वृक्ष लगातार जल और वायु को ग्रहण करते हैं। सर्व जना इव सर्वे वृक्षा। सर्वे वृक्षा यानी सभी वृक्ष, इव यानी की तरह, साधु जना सभी वृक्ष किसकी तरह है? साधुओं की तरह। आपने साधु महात्मा देखे होंगे ना, वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। तो पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? तपस्या भी करते हैं, क्योंकि वो दिन रात खड़े रहते हैं। सर्दी में भी गर्मी में भी लगातार वो क्या रहते हैं? खड़े रहते हैं। तो इसीलिए उनको किसकी तरह माना है? साधुओं की तरह माना है, ओके। इसके बाद देखिए, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम। पयोदर्पणे यानी जल रूपी आईने में, जल रूपी आईने में स्वप्रतिबिंबम अपनी परछाई को, जल रूपी आईने में अपनी परछाई को कौतुके पश्यन्ति वृक्षा। कैसे देखते हैं? कौतुके यानी आश्चर्य से देखते हैं वृक्ष। वृक्ष अपने प्रतिबिंब को आश्चर्य से देखते हैं। आयस्ता। इसके बाद देखिए, प्रसार्य स्वछाया संस्तरणम। प्रसार्य यानी फैलाकर अपने छाया रूपी बिस्तरे को, वृक्ष अपने छाया रूपी बिस्तरे को फैलाकर कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। हम मनुष्यों के लिए क्या